अपने माता पिता के पास बैठ के रोते थे। उनके माता पिता स्कूल में लेकर जाते थे एडमिशन कराने के लिए, नामांकन कराने के लिए, क्योंकि ऐसे जाति से थे। क्यों लोग जानवरों का पेशाब पीना भी पसंद करते थे, लेकिन उस समाज के लोगों के हाथ से पानी पीना पसंद नहीं करते थे। और मेरे मित्रों, दो तीन विद्यालयों में माता पिताजी लेकर के गए, जब जात की बात आती थी तो वहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एडमिशन नहीं हो पाता था। धैर्य टूट चुका था। वह माँ पिता रोते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए आतुर है और हम किसी विद्यालय में इसको दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। अंतिम विद्यालय बचा था जिस विद्यालय का प्रधानाध्यापक ब्राह्मण था। जब ये माता पिता इनके अंगुली पकड़ करके ले गए उस विद्यालय में, और वह अध्यापक इस बच्चे के चेहरे को जब देखा तो उनके दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई कि यह लड़का आगे चल करके बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन जब जात की बात आई तो उन्होंने हिचका। मतलब पिताजी का धैर्य टूट चुका था, विश्वास टूट चुका था कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो सकता है। लेकिन साथियों, अध्यापक कहा ठीक है, दूर दराज के ब्लॉक से है, कोई पास का नहीं है। मैं अपना परिचय देते हुए आगे की बात को शुरू करूंगा। मेरा नाम नाजिश है, मैं एक्शन एड लखनऊ से प्रोग्राम ऑफिसर हूं, जो 20 जिले में नई पहल परियोजना चल रही है, जिसको यूनिसेफ और एक्शन एड मिलकर चला रहा है। उसको हम स्टेट पे देखते हैं, हमारी 20 जिले में टीम है। जैसे कुशीनगर में हमारे रामरिक जी हैं, अमीरुन है, महाराजगंज में शाह फैसल हैं, धर्मेंद्र जी हैं, ये लोग इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, हम किस लिए यहाँ पे हैं, एक मंच पे क्यों बैठे हैं, शिक्षा को लेकर हम इतने जागरूकता भरी बात क्यों कर रहे हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी। उससे पहले मैं मंच पे मौजूद सभी अतिथिगण को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के वहाँ पे आए। कुछ तो कारण होगा, तो कारण सबसे बड़ी बात कारण ये है कि जहाँ के अध्यापक अगर मन से उपस्थित परमादरणीय प्रभु कुला के सम्मानित विधायक जी तथा मंच पर उपस्थित जो कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश की गरीब मजदूर किसान के जो उपाध्यक्ष हैं तथा सम्मान हर ग्राम सभा में हर जनपदों में खुलवाने का काम की है, लेकिन तमाम त्रुटिवश तमाम कमियां बस, चाहे कहीं हमारे अभिभावकों की कमी हो, कभी गरीबी की कमी आ जाती है, गरीबी की कारण बन जाती है, कहीं पर अभिभावक की लापरवाही बन जाती है, कहीं सरकार की लापरवाही है, तो कहीं शिक्षक की लापरवाही है, जिस कारण हमारे समाज पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी इसमें जो गरीबी है वो भी मजबूरियाँ हैं, जो को अभिभावक को इस मजबूरी को दूर करके अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़े। जब तक हम संघर्ष और किसी भी चीज़ को मजबूरी को दूर नहीं करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावक की बनती है। कोई ऐसी गांव नहीं है जहां पर प्राइवेट कार्य अभी वहाँ कहीं है कि ये महिलाओं के ये बात सही है, लेकिन उस जमाने में अशिक्षा होने पर गुजारा हो जाता था, लेकिन आज के युग में बिना शिक्षा का गुजारा होना संभव है, रोजगार भी नहीं कर पाएंगे और छोटी सी छोटी मुसीबतें हमारे सामने घेरी रहेंगी। हम स्टेशन का नाम जैसे बोले हैं कि स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको किस ट्रेन में बैठना है, किस बस पर बैठना है ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, हम बैंकों में जाकर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे, हमसे कोई लोग गलती सलती अंगूठा भी लगवा सकते हैं, तमाम ऐसी परेशानियां खड़ी हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ मित्रों को मेरे देखिए, आज जिला स्तरीय शिक्षा प्रेरक सम्मेलन में
ये जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ये कर रहे हैं, लगातार मैंने 3-4 जगहों पे इस कार्यक्रम को मैंने अटेंड किया है। इससे सीधे सीधे ये जाता है कि अगर हम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, जाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, कुछ चर्चाएं होती है। क्योंकि वहाँ किसी की मौत हो गई है, वो नहीं आई है, दूसरी वाली है। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट विजिट में आपके साथ फिर मुखाबित होऊंगा। आज फिर मैं पहुंचा हूं और मैंने देखा कि फिर वही प्रधानाध्यापक जो महिला है और एक सहायक टीचर जो थे वो अंदर थे, और 10:45 बज रहा था। 10:45 बजे बच्चों की संख्या टोटल 30 थी। और गिरी जी, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि 10:45 बजे तक प्रेयर नहीं हुआ था। मैंने फिर वहां जो ग्राम सभा सदस्य मिले, मैंने उनसे कहा कि क्या यही कंडीशन रहेगी, यहां गांव में जो शिक्षा समिति है आखिर में वो क्या चीज स्थापित करके सोई पड़ी है, उनका क्या भाई, उनका भी तो अपना दायित्व बनता है, उनको पूछना चाहिए, देखना चाहिए, कम से कम गांव में है। भाई साहब आपका कौन है? तो मैं कहा ठीक है, कल तो आऊंगा। तो वहीं से हम चाफे निकल गए घूमने के लिए, तो वहाँ कुछ बच्चों को ड्रेस पहने में देखा, खेल रहे थे फील्ड में, जूता हुआ खेल था। तो वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय था वहाँ पहुँचे तो देखे क्लास चल रहा है, तो सोचे क्लास चल लेगा तो हम टीचर से बात करेंगे कि बच्चे आखिर यहाँ खेल क्यों रहे हैं, इंटरवल हुआ नहीं है। हम इंतजार कर रहे थे, उस समय 2 बज रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि जब विद्यालय से छुट्टी होगी तो बात करेंगे मास्टर साहब से। हम भी थोड़े देसी टाइप के हैं, तो रास्ते में दही बेच रहा था एक बंदा, उसी से खरीदे, नदिया का दही था। असल में हम बचपन से शहर में रहे हैं, तो गांव में थोड़ा मतलब घूमने की प्रवृत्ति है, तो उसका दही लिया और खाए। और वहीं का एक बच्चा ड्रेस पहना हुआ था, घूम रहा था, उसको भी बुलाया, साथ में बैठ के हम लोग खाए थे। और यहाँ इंतजार कर रहे थे, आए गांव में, देखिए बच्चा वैसे ही सब खेल भी रहे हैं ड्रेस पहने हुए। जाके मास्टर से वहाँ बात किया, तो जब छुट्टी हो गया तब तो बता रहे हैं मास्टर साहब कि यहाँ के जो बच्चे हैं और ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि बाहर से वो नदी की जो कटान होती है वहाँ से लोग आके यहाँ बसे हुए हैं। ये घटना चाफे का भाई साहब, भाई साहब चलिए चाफे की घटना, जो चाफे देख रहे हैं उसी के बगल में है, वहीं लोग बसे हुए हैं। तो मास्टर साहब से जानकारी मुझे यही प्राप्त हुआ कि जो बच्चे इसलिए स्कूल नहीं आते हैं क्योंकि इनके गार्जियन जो हैं वह जो नहीं बता रही थी देवी जी कि गार्जियन लोग शराब पीते हैं, तो वो पी के घर पे ही पड़े रहते हैं, और बाकी जो महिलाएं हैं वह किसी छोटे मोटे काम में चली जाती हैं, और घर के जो बच्चे हैं थोड़े जुगड़ वो छोटे बच्चों को संभालने में लग जाती हैं, खास तो लड़कियाँ। और बाकी जो बच्चे बचते हैं वह सुबह से शाम तक खेलते हैं। और मास्टर साहब बता रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि हम किसी बच्चे को मार उड़ दें तो प्रशासन ही हम पे आक्रमण कर देता है। तो इस यूनिसेफ से हमें यही मतलब जानकारी थोड़ी सी मिली है कि आप जैसे लोगों की टीम हो और गांव-गांव में जाए और उन लोगों को मोटिवेट करें। जैसे सरकारी विद्यालयों में तो ट्रेंड टीचर हैं, लेकिन क्यों भेजने नहीं चाहते बच्चे को, क्यों प्राइवेट में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं पढ़ाते हैं, लेकिन क्यों हम प्राइवेट में भेजना पसंद करते हैं, सरकारी में नहीं भेजना पसंद करते। आखिर में यह सोचने वाली बात है कि जहाँ मुफ्त शिक्षा है, फ्री में शिक्षा है, भोजन भी मिल रहा है, किताब भी मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन हम वहाँ नहीं भेज रहे हैं। क्या कारण है कि हम पैसा लगा करके भेज रहे हैं? आखिर में सोचने वाली बात है कि नहीं है ये? पास तक पहुंच बना बन रहा है, नहीं बन रहा है या बनाना है, उनके लिए चर्चा करनी है आ जाने पर जी। और आज हम लोग चर्चा शिक्षा मिले वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सबको समान शिक्षा मिले होंगे, और इन जो शिक्षा व्यवस्था है आज का, जो सामाजिक संगठने हैं, जो समुदाय है, स्कूल प्रबंध समिति है या सरकारी तंत्र है या आम जनता है जो माता पिता हैं, और हमारे साथी लोग जो इसमें लगे हुए दिन रात करके जनपद बनाएंगे, तो उनकी क्या भूमिका होगी
उसको लेकर इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है हमारे गांव में, हमारे इस जनपद में, उसमें सबकी क्या भूमिका होगी, उसको लेकर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और एक टाइम में बधे हुए अच्छे तरीके से बध रहे हैं वो अलग मिलेंगे, उसी में जाएंगे कहीं जो बद से बदतर जिंदगी जीवन जीने वाले लोग ऐसे मिलेंगे जहाँ की, तो ऐसे भी क्षेत्र है, ऐसे भी क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर गांव अपने गांव के लोग समझ रहे हैं कि है, ये हमारा विद्यालय है, उसको बहुत बेहतर चल रहा है, वहाँ पे बच्चे भी हैं, वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, और वहाँ दबाव भी बन रहा है कि हमारे बच्चे का नामांकन करिए, नामांकन नहीं हो रहा है प्राइमरी स्कूल में, ऐसे भी व्यवस्था है। और ऐसा हम उस समुदाय तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम उस बच्चे तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं होगी। तो और एक बार फिर हम लोग कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में, कार्यक्रम के बारे में फिर यहाँ बैठने का ऊपर से नहीं नीचे से ही परिचय हो रहा है, नीचे से सब लोग परिचय देते हुए मंच तक और भी साथी आ रहे हैं तो उनके साथ परिचय वाले नीचे से प्लाट से हूँ। हमारे पास भी एक NGO है जो लगभग 7-8 सालों से काम कर रही है। मैं जनसेवा हूँ, बस इतना ही मेरा छोटा सा परिचय है। और MBNI स्कूल एक प्राइवेट संस्था है, उसमें टीचिंग का कार्य करता हूँ। मैं रामकुला ब्लॉक से हूँ, मैं महाराजगंज से हूँ और लगभग 2012 से विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर सामाजिक सेवा के रूप में काम करता हूँ। मैं धनराज प्रसाद सवरेही ब्लॉक से हूँ, फिर भी मैं उसको देख रेख में करता हूँ जो कोई भी संस्था उससे जुड़ा। मेरा नाम विनोद कुमार है और हम तमकुह ब्लॉक से हैं और हम लोग एक संगठन है मुसलमान, हम उससे जिला सचिव ब्लॉक पढ़ाना पर अभी है फागुपुर मिशनपुरा शर्मा है के अंतिम छोर से जनपद कुशीनगर विकास खंड सुकौली। हेलो, सुकौली ब्लॉक से आए हैं, संतोष शर्मा नाम है। सामाजिक सेवा महिलाओं के लिए करते हैं, आज भी खेतिहर मजदूर किसान मंडल प्रभारी हूँ, रौना के रहने वाले। हमारा ब्लॉक पड़ता कुशीनगर जिला, नाम नाम कुशीनगर जिला लक्ष्मीपुर घर मारा नाम नाम बसधर। हेलो साथियों, हमारे तरफ से सबकी नमस्कार है।